हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतीश कश्यप ब्लॉग्स पे। आज हम आए हैं यहाँ प्रयागराज में घूमने के लिए। देखिए आप लोग, अभी भी यहाँ पे इतना मेला लगा हुआ है, भीड़ होती है इतनी, जबकि अभी यहाँ कुंभ का मेला भी नहीं है। और ये बरसात के बाद में हम लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम संगम नदी की ओर बढ़ रहे हैं और ये यहाँ सारी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप सामान और प्रसाद ले सकते हैं। ये यहाँ पे टैटू खुदवाना हो जिस किसी को, वो करवा सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे आते हैं संगम नदी में स्नान करने के लिए। ये देखिए भाई, हम संगम नदी की ओर बढ़ रहे हैं सभी लोग। ये हम आए थे यहाँ पे 14-15 लोग, सभी लोग घूमने के लिए। बहुत भीड़ है भाई, अभी भी मतलब कुछ मौसम भी नहीं हुए यहाँ पे आने का, उस टाइम पे अभी भी काफी भीड़ है। ये देखिए मंदिर दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ही सुंदर है। ये हमारे भैया रितेश जो साथ में आए हुए हैं, और ये देखिए हमारे भोले बाबा, इनके साथ में फोटो खिंचवाना हो जिस किसी को, वो भी आ सकता है यहाँ पे। ये हमारे भोले बाबा फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे भैया अर्जुन और छोटू, दोनों लोग साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। ये भोले बाबा देखिए पार्वती जी को बुला रहे हैं और वो हमारी पार्वती माता जी आ रही हैं दौड़ते हुए। देखिए भाई, और ये संगम नदी का पुल है। और ये देखिए हमारी पार्वती मैया भी आ गई हैं दौड़ते हुए नन्हे नन्हे पैरों से। बहुत अच्छे भैया, ये दोनों लोग साथ में आ गए हैं। और ये हमारे साथ में आए हुए हैं भैया छोटू, ऋतिक और रवि और पौरुष, ये सभी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में। और आइए आगे चलते हैं। ये हमारे भैया अर्जुन और ब्रजेंद्र, बहुत ही शर्मा रहे हैं अर्जुन भैया। और ये यहाँ से भैया बोट मिलती है जिसपे आप बैठ के नदी के अंदर सैर कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी बोट खड़ी हुई है और बहुत ज्यादा भीड़ है अभी भी। बहुत ही सुंदर नजारा है भैया। और ये यहाँ पे बोट्स खड़ी हुई हैं जहाँ से बैठ के आप लोग नदी के अंदर सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं जहाँ तक ये लोग ले जाएंगे। और ये देखिए भैया काफी दूर तक पानी पानी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।